नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालकों को स्वागत है आपका इस चैनल पर। फिर से मैं हूं आपका दोस्त विकास। किसान भाइयों, बहुत सारे पशुपालक भाई हमसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम जो है अपने गाय और भैंस का दूध बढ़ा सकें, चाहे वो कोई भी अवस्था में हो, चाहे वो गाभिन अवस्था में हो या ना हो। दोस्तों, तो उसमें जो है आपके लिए दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो बहुत ही सस्ता है, जिसमें जो है दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है बैंगन का और बाजरे का। ये दोनों ही चीज़ें दोस्तों आपको आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और इसका इस्तेमाल है आप रेगुलर तौर पर भी अपने पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही कारगर है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करके आप अपने पशुओं का दूध बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले में हमें जो है सबसे पहले लगभग 2 किलो के आसपास ये बाजरा चाहिए। दोस्तों, ये जो बाजरा होता है दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है दोस्तों, जिससे हमारे पशुओं को दूध को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसे जो है दोस्तों हमें पकाकर ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसे जो है एक बर्तन में डाल देते हैं और डाल देते हैं दोस्तों लगभग पर्याप्त मात्रा में पानी। जितना आप जो है इसमें पानी डालेंगे दोस्तों उतना अच्छा है, ताकि ये अच्छे तरीके से पक सके। तो यहाँ पर मैंने जो है दोस्तों लगभग 4 लीटर के आसपास पानी डाल दिया है। और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगभग 1 किलो के आसपास ये बैंगन। बैंगन जो है दोस्तों कई प्रकार के आते हैं, लेकिन जो है आपको यही वाला बैंगन इस्तेमाल करना है दोस्तों। और ये जो बैंगन होता है दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में फोलेट, पोटेशियम, विटामिन के और विटामिन सी होता है, जिससे हमारे पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो मिल जाते हैं दोस्तों, और उनको जो है दूध बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसे जो है दोस्तों हमें काट करके अच्छे तरीके से देख लेना है कि इसमें जो है कीड़े वगैरह लगे हैं कि नहीं। तो इसे जो है दोस्तों चेक करके ही इस्तेमाल करें, और इसे हमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है दोस्तों, ताकि इसे जो है पकने में और हमारे पशुओं को इसे खाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए इसे जो है मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम जो है इसे जो है बाजरे के साथ में पकने के लिए डाल देते हैं। ये जो फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है सभी प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश है, ताकि जो है हमारे पशुओं को दूध बढ़ाने में मदद मिल सके। और साथ में जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य है, तो इसे जो है हमारे पशु जो हैं, चाहे वो गाभिन की अवस्था में हो चाहे ना हो, तो दोनों ही कंडीशन में दोस्तों बहुत ही आसानी से हजम कर लेते हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर है सभी प्रकार की गाय और भैंस के लिए। तो इसे जो है दोस्तों हमें जो है थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद दोस्तों इसमें हमें डालना है लगभग जो है 200 ग्राम के आसपास ये साबूदाना। ये जो साबूदाना है दोस्तों, ये जो है हमें भारत में कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है, और ये बहुत ही दाम में कम होता है दोस्तों। ये जो साबूदाना है दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, जिसकी जो है हमारे पशुओं को अपने दूध को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। तो चलिए इसे भी जो है मिश्रण में डाल देते हैं। और इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद दोस्तों हमें जो है इन सभी सामग्रियों को अच्छे तरीके से पकाना है। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, और जब ये थोड़ा सा पकने के लिए हो जाए तो उसके बाद हमें डालना है ये गुड़। गुड़ जो है दोस्तों, ये हमारे पशुओं की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। ये उन्हें जो है आंतरिक रूप से ऊर्जा देता है, साथ में जो भी हम ये मिश्रण बना रहे हैं उसके स्वाद को भी बढ़ाता है, जिससे हमारी जो गाय और भैंस है इसे पूरे तरीके से अच्छे से खा लेती है। तो इसे डालने के बाद दोस्तों हमें जो है इसे थोड़ा देर के लिए और अच्छे तरीके से पकाना होगा, और सामग्री को दोस्तों हमें जो है बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे ये एक समान रूप से पक सके। तो अब जो है ये पूरी तरीके से पक चुका है दोस्तों, चलिए अब हम जो है इसे उतार लेते हैं। और इसे उतारने के बाद हमें जो है इसे किसी फैले हुए बर्तन में डाल देना है, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसे जो है हम अपनी गाय और भैंस को दे सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है लगभग सभी सामग्रियाँ अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। तो इसका जो है एक बार आप कन्फर्मेशन जरूर कर लें, और उसके बाद इसे जो है आप अपनी गाय और भैंस को दे सकते हैं। और इसे देने का तरीका ऐसा दोस्तों कि इसे जो है हमें अपने गाय और भैंस को जो है दिन में एक बार देना है, और लगातार जो है हमें 10 से 12 दिनों तक देना है दोस्तों, जिससे उसका जो दूध है वो बढ़कर आ जाता है। तो ये है जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में। और किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अन्य किसान भाई और पशुपालक तक इसे शेयर जरूर करें। और साथ में दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जानकारियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।